नमस्कार, मैं दिनेश कुमार, आप देख रहे हैं पोल खोल पोस्ट। आज हम मौजूद हैं मध्य प्रदेश राज्य के सिंगरौली जिले के माड़ा की गुफाओं में, और आप आपको दिखा पा रहे हैं कि इससे पहले भी हम लोगों ने आपको एक वीडियो बना करके दिया हुआ था। यहाँ पर एक गुफा में यहाँ पर एक इको पर्यटन क्षेत्र बनाया जा रहा है, और यहाँ पर लोगों को कुछ दिनों के बाद एक पर्यटक के तौर पर बुलाया जाएगा। लोग यहाँ पर आकर के यहाँ की चीज़ों को देखेंगे और इस दृश्य का आनंद ले पाएंगे। लेकिन अभी तक इसके काम में पूरी तरीके से सफलता नहीं आई है, लेकिन आज हम आपको इसके अंदर का दृश्य भी ज़रूर दिखाना चाहेंगे कि किस प्रकार से ये गुफाएं सच में प्रचलित हैं। तो आइए चलिए इस गुफा के अंदर चलते हैं, जो कि माड़ा की गुफाएं हैं। तो स्वागत है आपका 7वीं शताब्दी की प्राचीनतम धरोहर माड़ा की गुफा। जी हाँ, हम आपको दिखा पा रहे हैं कि ये जो माड़ा की गुफा, विवाह समूह माड़ा की गुफा, हम आपको दिखा पा रहे हैं ये 7वीं शताब्दी से भी पूर्व की बनी हुई है। और इसका पता तो आपको उस समय भी चल जाएगा जब हम आपको इसको समीप से ले जा करके दिखाएंगे, और आपको दिखाएंगे किस प्रकार से ये जो प्राचीनतम धरोहर अभी तक यहाँ पर मौजूद है। कहा जाता है कि यहाँ पर भगवान श्री राम का भी आगमन हुआ था, और ऐसी कई सारी प्राचीनतम रहस्यमयी बातें हैं जिनका उजागर अभी तक तो नहीं हो पाया है। लेकिन कुछ भी कहिए, ये मध्य प्रदेश राज्य में पड़ने वाला सिंगरौली ज़िले का एक बहुत ही प्राचीनतम धरोहर है। आइए हम इसको और करीब से दिखाना चाहेंगे। सर्वप्रथम तो हम आपको ये दिखाना चाहते हैं कि इसकी प्राचीनता कितनी सत्यता को प्रकट करती है, हम आपको दिखा पा रहे हैं। इसकी जो नक्काशी है, इस पर जो कुछ भी आकृतियों को बनाया गया है, आप देख सकते हैं बहुत ही पुरानी है, और इसमें कोई दो राय नहीं है कि ये सच में बहुत ही पुरानी प्राचीनतम धरोहर है। यहाँ पर ऐसा लगता है जैसे कि कोई मूर्ति थी, लेकिन अब शायद कुछ भाग ही उसके बचे हुए हैं। और इन गुफाओं की अगर हम बात करें तो ये जो गुफाएँ हैं 7वीं शताब्दी से बनी हुई हैं। श्री राम जी का भी आगमन यहाँ पर हुआ था, लोगों का कहना है, कहा भी जाता है। गुफाओं की अगर बात करें तो लोग ऐसा भी कहते हैं कि ये गुफाएं जो हैं सीधा छत्तीसगढ़ की ओर भी निकलती थी, लेकिन आज शायद उसे किसी प्रकार से रोक दिया गया है। तो चलिए, हमारी टीम की यही प्रयास है कि हम आपको इसको और भी करीब से दिखा पाएँ, और गुफा के अंदर चलते हैं और दिखा पाते हैं आपको कि यहाँ की जो इस बात की भी कल्पना करने पर हमें मन में कई सारी उत्साह हो जाती है और कई सारी बातें हमारे अंदर आ जाती है। आप जरा सोच कर देखिए कि इन गुफा को बनाया कैसे गया होगा, कैसे इसकी कटिंग की गई होगी, बिना किसी पिलर के, बिना किसी इंजीनियरिंग, जो पुराने समय की थी वो इंजीनियरिंग बेमिसाल थी। और अगर बात की जाए तो अभी उन सब चीज़ों पर से अगर पर्दा हटाया जाए तो बहुत ऐसी रहस्यमय चीज़ें हमें समझ में आएंगी। आप देख सकते हैं किस प्रकार से रूम बनाए गए थे, छोटे छोटे कमरे हैं, और फिलहाल यहाँ पर साफ़ सफाई कर दी गई है, क्योंकि कहीं कुछ दिनों के बाद ये एक पर्यटक स्थल होने वाला है और इको पॉइंट बनने वाला है यहाँ पर, और दूर दूर से लोग यहाँ पर आएंगे। और इसकी तैयारियाँ फ़िलहाल अभी की जा रही हैं, और देख सकते हैं आप कि ये सब बहुत ही प्राचीनतम 7वीं शताब्दी की बात की जा रही है। मतलब हकीकत बताई जाए तो ये जो दीवारें हैं खुद ही बता दे रही हैं कि सच में ये बहुत ही पुरानी गुफाएँ हैं, और जिनका अनुमान लगाना फ़िलहाल अभी तक तो इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि इन गुफाओं में वास्तविकता हुआ क्या था। लेकिन हाँ, लोगों के कथा से अगर बात की जाए तो लोग यही कहते हैं कि यहाँ पर एक श्रृंगार ऋषि हुआ करते थे, उन और श्रृंगार ऋषि के नाम से ही सिंगरौली का नाम भी पड़ा, और ऐसी कई सारी रहस्यमयी बातें हैं जिन पर से अभी पर्दा उठा नहीं है। लेकिन अगर बात की जाए तो ये बहुत ही प्राचीनतम गुफा है माड़ा की गुफा, जो हम आपको दिखा पा रहे हैं। ये सारे कमरे बने हुए थे, और आपको हम दिखा पा रहे हैं किस प्रकार से ये चट्टानों के बीच में जो ये गुफाएं बनाई गई हैं। लेकिन अब धीरे धीरे इस पर प्रशासन ने अपना काम शुरू किया है, तो कहीं कहीं पर सीमेंट से प्लास्टर किया जा रहा है, और भी हम आपको आगे ले जाकर दिखाएंगे, और यहाँ के लोगों से भी बात करेंगे कि आखिर उन्हें कितना पता है इन गुफाओं के बारे में और वो कितना जानते हैं। तो आप देख सकते हैं ये है गुफा, और मैं कैमरामैन से कहूँगा एक बार ऊपर की ओर ले, ऊपर में भी आप देख सकते हैं किस प्रकार से एक प्राकृतिक गुफा है, और किसने इसका निर्माण किया। और आपको एक जो सबसे सर्वश्रेष्ठ चीज़ हमको बताना चाहती है, प्राचीनतम मूर्ति, और इस मूर्ति की अगर बात की जाए तो मतलब मूर्ति पूजन का जो सिलसिला चला आ रहा है वो आज से नहीं, 7वीं शताब्दी से भी पूर्व से चला आ रहा है, तभी से ये मूर्ति यहाँ पर पड़ी हुई है। और आप देख सकते हैं यहाँ पर लोग पूजा करते थे, और बहुत ही खूबसूरती से इसे बनाया गया, एक आंगन के बीच में इस मूर्ति को बनाया गया। मुझे ऐसा लगता है कि शायद ये भगवान शंकर का शिवलिंग है और उस पर लोग पूजा करते हैं। खैर, इसमें कितनी सच्चाई है
बस बात जो कुछ भी है, लेकिन ये जो गुफा है अद्भुत, आकर्षक और मन को मोह लेने वाला है। तो आइए यहाँ के कुछ लोगों से बात करते हैं जो यहाँ पर फिलहाल तो काम कर रहे हैं, कार्यरत हैं, लेकिन हैं ये यहाँ के मूल निवासी। क्या नाम है चाचा आपका? राम रसीले यादव। राम रसीले यादव, प्यारा नाम है आपका, राम रसीले यादव। तो इस गुफा के बारे में कुछ जानकारी है आपको? हाँ, यहाँ पर माड़ो गढ़ बोलता था और कड़िया राजा यहाँ के उस समय में थे। तो ये जो गुफाएं हैं, क्या लगता है कहाँ तक ये गुफाएं गई होंगी, कहाँ तक रास्ता गया होगा? वो रास्ता तो उस जमाने में बताते थे लोग कि 12 टीना तेल लेकर जाते थे। अच्छा। रास्ता में और आ गया तो हम वापस लौट गए, उस गुफा का पता नहीं चला। अच्छा, गुफा का पता नहीं चला। हाँ। रास्ता मतलब वो जा नहीं पाए। हाँ। आप यहाँ पर कितने वर्षों से हैं? माड़ा में ही रहते होंगे? हाँ, माड़ा में। तो अभी आपकी उम्र कितनी हो गई? हमारा उम्र तो लगभग 60 साल हो गया। तो जब 60 साल में आप भी जब बच्चे रहे होंगे तो इधर घूमने तो आते थे। तो उस समय कैसा था और अभी का वातावरण कैसा है, उस क्या बदलाव आया है? बदलाव आ गया है, चारों कते जंगल था, अब तो साफ हो गया है। अच्छा। नहीं, पूरे जंगल में यहाँ भरा था। अच्छा, जानवर की बात करें तो कैसे? जानवर चीता, सांवर थे उस जमाने में, भाल। अभी बहुत कुछ बदलाव आ गया है। आइए इस चर्चा में और कुछ लोगों से जुड़ते हैं। नाम क्या आपका भैया? रमेश कुमार यादव। क्या कुछ जानकारी है आपको? बस यही जानकारी है जो बता रहे हैं सियाने लोग। अच्छा, यही जानकारी है आपको? आप में से किसी और को कुछ खास अच्छा पता? नहीं, बस उतना ही जानकारी है। इतना ही जानकारी है। तो और कितनी गुफाएं हैं पूरे माड़ा में, कुछ पता है? माड़ा में तो 3 गुफाएं हैं। अच्छा। रावण माड़ा हो गया, ब्याह माड़ा हो गया, जलजलिया देवी हो गई, हनुमान मंदिर हो गया। तो आप सबका बचपना यही गुजरा है? हाँ, बचपन यही गुजरा। तो पहले बचपन में खेलने आया करते थे इधर? आते थे ना। अच्छा, तो कैसा लगता था उस वक्त और अभी में, कैसा अंतर? अच्छा लगता था ना। और अभी कैसा लगता है? अभी तो अच्छा और बन रहा है, और अच्छा लगेगा। अच्छा, और बन रहा है और अच्छा लगेगा। अभी आप लोग यहाँ काम कर रहे हैं? अभी तो काम कर रहे हैं। अच्छा, चलिए। लोगों से एक चर्चा में जुड़ने के बाद और कुछ बातें हमें पता चली। आपको हम पहले तो ये दिखा पा रहे हैं कि आप देख सकते हैं किस प्रकार से ये जो प्राचीनतम धरोहर है, इसमें किस प्रकार से पत्थरों को तराशा गया था, पत्थरों पर ही डिज़ाइन बनाए गए थे। और आप ज़रा सोचिए, सोच से हमारे सोच से भी बाहर है, हमारी कल्पना से भी परे है कि किस प्रकार से लोग एक ही पत्थर पर छेनी हथौड़ी हुआ करते रही होगी या क्या रहा करता होगा, इस बात की तो पुष्टि हम नहीं कर सकते। लेकिन जो कुछ भी है आश्चर्यचकित कर देने वाला दृश्य है। और दूसरी बात ये कहें तो इसकी अगर खोज की जाए, पुरातत्व विभाग की अगर बात की जाए तो 7वीं शताब्दी का बताते हैं ये धरोहर है। और एक सबसे अहम बात, आध्यात्मिक बात करें तो आध्यात्मिक तौर पर देखा जाए तो यहाँ पर प्रभु श्री राम को जब 14 वर्ष का वनवास हुआ था, उस वक्त प्रभु श्री राम उस वनवास के दौरान यहाँ पर आने के बाद यहाँ पर भ्रमण करते हुए यहाँ पर कुछ दिन रुके थे, ऐसी लोगों की मान्यता है। और ये आप देख सकते हैं जो गुफाओं की अगर हम बात करें तो हमने आपको गुफा के अंदर भी ले जा करके कुछ दिखाया है। और गुफा दिखाने के बाद अगर मैं आपको चारों ओर का दृश्य दिखाना चाहूँ तो मैं कैमरामैन से कहूँगा कि एक बार पूरे के पूरे पहाड़ों को अपने इस कैमरे में कैद करें और इसकी खूबसूरती जो देखते बनती है। और इस बात का कहीं ना कहीं हमें गर्व भी होता है कि हम ऐसे ज़िले से हैं जहाँ पर आज भी इस तरह का प्राकृतिक सौंदर्य, प्राकृतिक धरोहर और जो प्राकृतिक संपदा अभी भी सुरक्षित है। और कहीं ना कहीं यहाँ आने के बाद शांति की जो प्राप्ति होती है, जिस प्रकार का सुकून मिलता है, वो एक अपने आप में ही अविस्मरणीय है, इसको आप बता नहीं सकते। तो फिलहाल हम आपको दिखा पा रहे हैं माड़ा की गुफा, जो कि बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही आश्चर्यचकित कर देने वाला गुफा है। और आने वाले कुछ दिनों के बाद ये एक इको पार्क बनने वाला है। आने वाले कुछ दिनों के बाद यहाँ पर लोग पर्यटक के तौर पर यहाँ पर घूमने के लिए आने वाले हैं। यहाँ पर कई सारी चीज़ों की सुविधाएं होने वाली हैं। और इन सब चीज़ों के साथ हम अभी फ़िलहाल आपसे विदा लेना चाहेंगे। अंतो वर्मन के साथ मैं दिनेश कुमार, पोल खोल पोस्ट की ओर से हमारे साथ बने रहिए और अपने सुझाव हमें निरंतर भेजते रहिए। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। पोल खोल पोस्ट की मासिक पत्रिका में विज्ञापन और समाचार देने के लिए संपर्क करें 07805-266-080। नीचे डिस्क्रिप्शन में दिए हुए लिंक को क्लिक करें और डाउनलोड करें पोल खोल पोस्ट बाय यूट्यूब और फेसबुक से तेज समाचार।